नमस्कार दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जून महीने के प्रथम सप्ताह के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला देखते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सामाजिक कल्याण के लिए वर्ष का सबसे प्रेरक प्रतीक पुरस्कार दिया गया है। वह है युवराज सिंह, जिनको कैंसर हुआ था और वो उनको फिर से खेलने का मौका दिया गया। कैंसर होने के बाद भी कीमोथेरेपी ली और वो ठीक हो गए थे। नेक्स्ट है, आरबीआई ने हाल ही में आईडीएफसी बैंक और किस बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। वह है कैपिटल फर्स्ट। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को करीब 161 करोड़ रुपए के साथ 83वें नंबर पर स्थान मिला है। वह है विराट कोहली। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार भारत की वृद्धि दर 2018-19 में 7.3% और 2019-20 में कितने प्रतिशत रह सकती है। वह रह सकती है 7.5% वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को दो सीजन 2016-17 और 2017-18 के लिए बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना है। वह है विराट कोहली। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है इनका। विश्व बैंक ने भारत सरकार की अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कितनी राशि को मंजूरी दी है। वह 6000 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा, जिसको कहा जाता है इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है। वह है जुबीन गर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, किस सोशल नेटवर्किंग निकाय ने महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साझेदारी की है। वह है फेसबुक, जिसने महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। 1 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पत्रकारों के लिए किस प्रदेश की सरकार ने गोप बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। वह है उड़ीसा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता है। दो लोगों को मिला है ये, कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, और एस किरण कुमार। नेक्स्ट है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD जिसे कहा जाता है ने मौसम की तीव्रता और गंभीरता की भविष्यवाणी के लिए एक नया EPS लॉन्च किया है। इस EPS का पूरा नाम क्या है। यह एनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम, एनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम। नेक्स्ट है, किस स्थान पर देश का ऐसा पहला एयरपोर्ट बनेगा जिसके रनवे के नीचे से नेशनल हाईवे गुजरेगा। वह है वाराणसी। नेक्स्ट है, देश की पहली नेत्रहीन महिला जो कि IAS बनी है वो केरल में सहायक कलेक्टर बनी है। उनका नाम बताना है, उनका नाम है प्रांजल पाटिल। नेक्स्ट है, दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी को 100% FDI की अनुमति प्रदान की है। वो दूरसंचार कंपनी कौन सी है। वो है आइडिया। नेक्स्ट है, पर्यावरण दिवस पर जारी की गई पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। वह मिला है 177वां स्थान। बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। 2018 ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हो रही है। वो हो रही है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नर के 49वें सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। 3 एजेंडों पर चर्चा होगी। एक है स्वच्छ भारत अभियान, आंतरिक विकास और स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, स्पेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट है, मिस्र के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में चक्रवात से ग्रसित सोकोत्रा द्वीप से 38 फंसे भारतीयों को बचा है। यह सोकोत्रा द्वीप कहां पर स्थित है। यह स्थित है यमन में। नेक्स्ट, जॉर्डन के प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिन्होंने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देने की घोषणा की है। वह है हानी अल मुल्की। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या है। प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना या बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है, RBI ने किस विषय के अंतर्गत 2018 वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू किया है। ग्राहक संरक्षण। नेक्स्ट है,
बाफ्ता यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं, वह पिप्पा हैरिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मवेशी पालन और डेयरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये दिया गया ए धीरज राम कृष्ण को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष को किसे चुना गया है, वह मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। नेक्स्ट है, अब्दुल रज्जाक कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जॉर्डन के, जहाँ के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दिया। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस वकील को मलेशिया का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, यह है टॉमी थॉमस, ये भारतीय मूल के मलेशिया के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, थीम है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस ऐप के जरिए देश के लोगों से उनके क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों का फीडबैक मांगा है, वह है नमो ऐप। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने शून्य आधारित प्राकृतिक खेती स्केल आउट योजना शुरू की है, वह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पत्रकारों हेतु गोपा बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना नामक योजना शुरू की है, वह राज्य है उड़ीसा। हाल ही में किस भारतीय वेटलिफ्टर के डोप टेस्ट में फेल होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, वह संजीता चानू, जिन्होंने अभी कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने मई 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए कितने मकानों को निर्माण को मंजूरी दिया, वह 1.5 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है, फ्यूगो ज्वालामुखी हाल ही में किस देश में फटा है, वह ग्वाटामाला में। और ये हमारे इस फर्स्ट वीक के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। थैंक्स।